खास करके हमारे युवाओं को नौकरी नहीं। मैं पूछता हूं, 27 साल हुकूमत करने के बाद 8 साल केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री रहने के बावजूद यहां के युवा, उनको क्यों नौकरी नहीं मिल रही, ये सवाल मैं पूछता हूं। सरकार में 5 लाख वैकेंसीज हैं। जब सरकार में 5 लाख वैकेंसीज है तो आप भर्ती क्यों नहीं करते? अब बोल रहे हैं इलेक्शन आया हम इतनी नौकरियां देंगे, और उसमें मोदी साहब तो खुद सर्टिफिकेट बांट रहे बच्चों को अपॉइंटमेंट के। अरे वो काम तो क्लर्क करता है हर डिपार्टमेंट का। हर डिपार्टमेंट में जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर क्लर्क इश्यू करता है वो काम आप कर रहे हो। देश में 30 लाख वैकेंसीज है, रेलवे हो, पोस्ट ऑफिस हो, टीचर्स के हो और पैरामिलिट्री के हो, ये सभी अगर आप हिसाब लेंगे, मैं ये हिसाब कहां से लिया, उन्हीं के पास से लिया हूं, स्टार्ट और अनस्टार्ट प्रश्न डाल के जो उत्तर आए हैं उसका पूरा टोटल करके मैं बता रहा हूं, 30 लाख वैकेंसीज देश में है, लेकिन आज 45% हमारे युवा जो 18 से 35 साल के अंदर है उनको नौकरी नहीं है। और इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, गरीबों की बात करने वाले, इन्होंने जीएसटी लगाया, कहीं पे लगाया, आटे पे जीएसटी, बच्चे जो लिखते हैं नोटबुक पे जीएसटी, रबर पे जीएसटी, दूध पे जीएसटी, आटे पे जीएसटी, तेल पे, हर चीज पे जीएसटी लगाए हैं। और गुजरात बहुत आगे गया बोलने वाले, मैं उनको पूछता हूं, यहां पर पहले 2 लाख रुपए कुछ डेट था इसका कर्जा, अब तो नजदीक नजदीक 4.5 लाख है, नहीं 4.5 लाख करोड़, इतना बोझ तुम्हारे ऊपर है। ये वो देने वाले नहीं है, शाह देने वाले नहीं है, मोदी अपने जेब से देने वाला नहीं है, अदानी अंबानी देने वाला नहीं है, ये आपके जेब से ही निकालेंगे, आपको ही वो कर्जा भरना होगा। और ऐसे लोगों को फिर अजमाते हो, जिनको अजमाए हैं आप, जिनको देखे हैं, फिर उनको अजमाने की जरूरत नहीं। एक बार चांस दो कांग्रेस को, कांग्रेस है गरीबों की पार्टी है, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। हम जुमलेबाजी नहीं करते, हमने कहा गरीबों के पेट भरने के लिए खाना देंगे, हमने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया, बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल कंपलसरी एजुकेशन हमने लाया, जिस मजदूर को काम नहीं मिलता था उसको काम देने के लिए, उसके हाथ को काम देने के लिए नरेगा जैसी योजना लाई, लाए या नहीं लाए, लाए तो ये सब हम गरीबों के लिए कर रहे हैं। और हमारे नरेगा योजना का मजाक उड़ाए मोदी जी और शाह जी मिलके मजाक उड़ाए, अरे ये तो एक नरेगा स्कीम, हाँ नरेगा स्कीम, ये जो योजना है ये बेकार योजना बोले। और वही नरेगा कोविड में काम आया, वही नरेगा के वजह से लोग, लाखों लोग अपना जीवन बचा लिए। तो भाइयों समय हुआ है, शर्मा साहब मेरे पीछे बैठे हैं, मेरे शर्ट खींचने का बाकी एक ही है, तो इसीलिए मैं
ये आपसे बात करूंगा। और जो हमारी चुनावी घोषणा है वो तो पहले बोल चुके हैं, और जो डेडियापाड़ा से जहां जर्मा बेन यहां पर कैंडिडेट हैं, और नर्मदा से हरीश वसावा और जगाड़िया से फतेह सिंह को आप अपना अमूल्य मत दो। सभी लोग, क्या हमारे पास पहले कहावत थी 78 में, न जात पर न पात पर मोर लगाओ हाथ पर। बस आप सभी लोग हाथ को वोट दो, हमारे कैंडिडेट्स को जिताओ। आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद।